है वो आपको पता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। वेट अ मिनट, ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला आपको पता है, उसी तरीके को फॉलो कर, फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम जाएंगे एंड वी विल नाउ फाइंड अनदर फॉर्मूला। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द डायग्राम फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेट अस से दिस इज द लेंस लाइक दिस एंड द रेडियस इज गिवन, दिस रेडियस इज आर वन एंड दिस रेडियस इज आर टू। यहां पर ये बात आपने याद रखनी है कि दोनों का रेडियस मैंने अलग अलग लिया है, ठीक है, और इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो लेट अस से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय म्यू, ठीक है, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय म्यू। ये मेरे पास बन गया एक लेंस, और समझने वाली बात क्या है, आर वन एंड आर टू इज गिवन। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं, आर वन, आर टू एंड म्यू, जिन पर फोकल लेंथ डिपेंड करती है। तो वो वाले फॉर्मूला अब हम फाइंड करने वाले हैं कि फोकल लेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगी, दैट इज व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो मेरे पास फर्स्ट सरफेस है और ये जो सेकंड सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस पर मैं रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अलग अलग। बेटा यहां पर आपने ये ध्यान देना है कि वी आर कंसिडरिंग थिन लेंस, ठीक है, हेयर थिन लेंस इज कंसिडर्ड, ठीक है, एंड सो देयर विल बी ओनली वन पोल और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, तो एक ही पोल होगा और एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, और क्योंकि ये थिन लेंस है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सरफेस कहाँ है, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ये दो सरफेसेस की जो थिकनेस है ये बहुत ज्यादा कम है, निगलेक्ट कर सकते हो आप, इतनी ज्यादा कम है, तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप पोल कहाँ पर ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो कि यहाँ पर ले रहे हो, डजंट मैटर, आप कहीं मर्जी ले सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पर सेंटर पे, हमने यहाँ पर पी लिख दिया आपको, तो सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे, सेंटर से मेजर होंगे। अब लेंस की सरफेस कहां से शुरू हो जाती है आपके लिए मैटर नहीं करती, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ थिन लेंस। मोरोवर इस तरह की जो लेंस है इनको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, दिस इज अ सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कनकेव लेंस का अगर मैं सिंबल बनाऊं तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग इट, इस तरह से जाकर ऐसे, तो ये आपके पास बन गया, तो ये बन गया आपके पास कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कनकेव लेंस, सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ द टू लेंसेज। तो ये थिन लेंस के लिए यूज होते हैं बेटा, तो यहां पर आपने इस बात को ध्यान देना है कि अगर मैं ऐसा थिन बनाऊं तो फिर तो चिंता ही कोई नहीं है ना, पोल एक ही बनेगा, हमें पता है कि सेंटर पे पोल लेना है, सिमिलरली हम यहां पर लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंटली आई एम जस्ट रबिंग दिस थिंग्स नाउ, ठीक है, इनको यूज नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखो, अब यहां पर इनका, इसकी फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है कि कहां से पड़ेगी। तो लेट अस से देर इज एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ठीक है, एंड अब इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी, तो वो इमेज कैसे बनेगी, हमने देखो डायरेक्ट हमने पोल सेंट्रल लाइन के ऊपर चले गए, हम वी आर कंसर्न्ड विद द सेंट्रल लाइन, इससे पहले रिफ्रैक्शन नहीं करवाई, मेरी मर्जी है, मैंने शो नहीं किया, बस इतनी सी बात ही है, अदरवाइज आप कर सकते हो, अगर आपको शो करने का मन है तो यू कैन डू इट। तो इट इज लाइक दैट, अगर मैं इसको मान लो मैं चेंज भी करता हूं, लेट अस से मैं यहीं से रिफ्रैक्शन करवा दूं, तो आई कैन डू दिस ऑल्सो, थोड़ा सा यहाँ रिफ्रैक्शन हो गया, वेट, लाइक दिस। अब देखो, अब दोनों जगह पर मैंने रिफ्रैक्शन शो कर दिया, लेकिन मैं पोल एक ही मान के चलूंगा, तो डिस्टेंसेस यहीं से मेजर होंगी। तो यहां पर मेरे पास बन गई इमेज और यहां पर मेरे पास है ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास U और V ये दोनों के दोनों इस डायग्राम में आ गए। डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं, पोल से, ठीक
ठीक है। तो अब मैं यहां पर ये देखूंगा कि भाई यहां पर जो मेरी पहली रिफ्रैक्शन हुई उसके कारण इमेज कहां पर बनी है। ओके, तो फिर से मुझे थोड़ा सा यहां पे रब करना पड़ेगा बिकॉज इसकी ऐसे इमेज नहीं बनेगी। वेट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन अब हमने दिखा दी दो जगह पर, तो ये मेरे पास यहां पर इमेज वन बन रही है। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज एंड दिस इज इमेज टू, दैट इज द फाइनल इमेज। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं वी और यू मैं आपको शो कर रहा हूं, तो ये वाला जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने बना दिया वी। तो जो ये वाला जब बनेगा इसको मैं बना दूंगा लेटर से एक्स, ले लेते हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज लेनी है तो एक्स ले लेते हैं। तो द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस इज टेकन एज एक्स, ये डिस्टेंस को मैंने एक्स लिख दिया सिर्फ इसलिए ताकि आपको याद रहे। तो अब मैं यहां पर रिफ्रैक्शन एट द सरफेस वन पर लगाने वाला हूं। रिफ्रैक्शन एट सरफेस वन, अवर फॉर्मूला विल बी म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। तो ये वाले फॉर्मूले को मैं पहले इस सरफेस पर अप्लाई करने वाला हूं। तो यहां पर दोनों में मुझे म्यू वन और म्यू टू में मुझे फॉर्मूला चाहिए कि दोनों का म्यू आ जाए। चलो एक ही म्यू मान लेते हैं प्रेजेंटली, और इसको मैं वन मान लेता हूँ एनीवेज। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करेंगे। चलो अब देखते हैं बेटा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। वैल्यूज पुट करने के वक्त हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी वैल्यूज। ऑल ये मैं मान के चलूंगा, तो ये रहा यू, तो म्यू टू बाई वी, तो म्यू टू है सेकेंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जहां पर इमेज बन रही है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अब जब मैं ये वाली इमेज को क्रिएट करूंगा तो मैं बाकी सारी चीजों को निग्लेक्ट कर दूंगा। बेटा यहां पर आपने ध्यान देना है, मैं सारी की सारी डायग्राम दोबारा यहां पर शो कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात को आपने ध्यान रखना। देखो अब जब मैं ये चीज बना रहा हूं ना, तो मैं इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे मैंने रब कर दिया, और मेरे लिए ये वाला मिरर एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये वाली सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसे है। तो अब आप देखो कि अगर मैं ये वाली फंडामेंटल को मान के चलूं, तो मेरे पास जो इमेज वन बन रही है वो कौन सी मीडियम में बन रही है, वो एक्चुअली में म्यू के अंदर बन रही है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो बाहर है वन, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। तो ऑब्जेक्ट वहां है, इमेज मेरी कहां पे बनेगी, म्यू के अंदर बनेगी। तो जब मैं इसको वैल्यूज यहां पे पुट करूंगा, तो इसको मैंने किया म्यू डिवाइडेड बाय वी को मैंने लिखा एक्स, एंड दैट इवन क्योंकि मैं इस साइड पे साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव मानकर चलूंगा, दिस इज द साइन कन्वेंशन दैट आई एम फॉलोइंग। ठीक है ना, ये साइन कन्वेंशन है जी। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मैंने यहां पर पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दी, माइनस म्यू वन डिवाइड बाई यू। अच्छा हाँ, सॉरी वन थिंग मोर, ये साइन कन्वेंशन यहां पर नहीं लेना है, वेट। तो यहां पर आपने एक पॉइंट आप यहां पर नोट कर लो कि साइन कन्वेंशंस will not be used in this derivation। बेटा इसको ध्यान में रखना, आपने साइन कन्वेंशन यहां पर यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन हम सिर्फ एक बार डेरिवेशन में यूज करते हैं, और एक बार फिर हम न्यूमेरिकल की जब वैल्यू पुट करोगे तब यूज करेंगे। तो हम यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए वी आर ऑलरेडी यूजिंग अनदर फॉर्मूला जो कि रिफ्रैक्शन एट द सरफेस का फॉर्मूला है, और इसमें हम एक बार साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो जब आप एक बार यहां पर साइन कन्वेंशन ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो हमें अब यहां पर दोबारा साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। तो अर्लियर आई वॉज रॉन्ग, मैं यहां पर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करूंगा, ओनली मैग्नीट्यूड यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। सो अब यहां पर इसके बाद चलते हैं, बेटा ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद जब मैं यहां पर ये वाला म्यू वन है, तो म्यू वन की वैल्यू को भी मुझे वन पुट करना पड़ेगा,
यहां पर जब मैं म्यू टू माइनस म्यू वन लिखूंगा ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, यहाँ पर जो ये म्यू है और ये रहा वन, तो सिंपल बात है यहाँ पे म्यू माइनस वन आएगा, यहाँ पे म्यू माइनस वन कर दो और डिवाइडेड बाय आर है तो आर ही कर दो, साइन कन्वेंशन की चिंता नहीं है, मैंने यूज ही नहीं किया। ठीक है, मैं यहां पर अगेन यहां पर लिख देता हूं नो साइन कन्वेंशंस। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। तो साइन कन्वेंशन यहां यूज नहीं हुआ, तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई, आई एम नेमिंग इट वन। तो अब मेरे पास एक इमेज बन चुकी है भाई, वो यहां पर इमेज बन गई है एंड द डिस्टेंस इज एक्स। अब मैं सेकंड सरफेस के ऊपर अप्लाई करूंगा सेम फॉर्मूला, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए दिस इमेज विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और डिस्टेंस कितना होगा एक्स, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू पोल ही लेने वाला हूं। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस वन। तो अब मैं यूज करने वाला हूं इसको, एट सरफेस टू। तो अब मैं सरफेस वन को गायब कर दूंगा, जैसे मैंने यहां पर सरफेस टू को गायब किया था। अब मेरे लिए वन मायने नहीं रखती, तो मेरे पास अब यहां पर कैसा डायग्राम बनेगा देखते हैं। देखो अब ये चीज आ गई, ठीक है, इसमें से अब मुझे क्या क्या चीजें रब करनी पड़ेंगी, इन चीजों को हम देखते हैं। ये वाली चीज से मैं नॉट कंसर्न्ड अब कि अब मेरे पास यू क्या है, यही मेरे पास अब एक यू बनेगा। तो जो ये दूसरी वाली सरफेस है इसको मैं अब यहाँ से रब कर सकता हूँ, तो ये वाली सरफेस को मैंने यहाँ से हटा दिया लाइक दिस। तो नाउ व्हाट यू कैन सी कि देयर इज अ इमेज आई वन विच इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो अब इमेज आई वन इमेज कहाँ पर था, म्यू के अंदर था, तो मेरे लिए आई वन ऑब्जेक्ट है और वो म्यू के अंदर है। लेकिन अब जो यहां पर रिफ्रैक्शन होने के बाद जो मेरे पास नया जो चीज बनी वो क्या बना, इमेज बना। और ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हुई तो यहां पर दो सर्फेसेज हैं, एक म्यू और एक वन, तो इमेज कहां पर चली गई, वन में। तो इमेज वन में चला गया बेटा, इस बात को बहुत ध्यान से रखना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसको आप हटा सकते हो। तो दैट इज म्यू और ये वाले को मैंने ले लिया वन। तो अब मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं कि फॉर्मूला तो मेरा यही लगेगा, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो ये मेरे पास रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा। मैं सेकंड सरफेस पे जाऊंगा तो इमेज कहां पे बन रही है भाई, एयर में बन रही है वन। इमेज वन कहां पे रही है, वी डिस्टेंस पर बन रही है। म्यू में था और ये पोल करने आपने कर दिया, वन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय आर को आर ही लिखना है। साइन कन्वेंशन हमने यूज नहीं करने, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो हमने यूज नहीं किए हुए। फिर से मेरे पास एक इक्वेशन बन गई एंड नाउ आई हैव नेम्ड इट एज पॉइंट नंबर टू। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा, एक्स को मैं यहाँ से इलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो ये रहा म्यू बाय एक्स और ये रहा म्यू बाय एक्स, इन दोनों को मैं इलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ और ये कैंसिल हो जाएगा सिंपल। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। एडिंग वन एंड टू आई गेट म्यू बाय एक्स माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय वी माइनस म्यू बाय एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस वन बाय आर प्लस वन माइनस म्यू बाय आर। वेट ए मिनट, यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है, सॉरी। ये देखो यहां पर मैंने क्या गड़बड़ की, ये आर वन और आर टू थे, मैंने यहां पर आर वन आर टू नहीं लिखा बेटा, इस बात को आपने ध्यान रखना, ये आर वन है ये आर टू है, दैट इज वाई दिस विल नॉट गेट कैंसल्ड। तो ये आ गया वन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय आर टू और ये आ गया आर वन, प्रोवाइडेड के दोनों का आर और आर सेम नहीं है। तो मैंने इसको यहां पर ये इक्वेशन बना दी। तो अब यहां पर ये और ये कैंसिल हो गए, सुनाओ व्हाट इज लेफ्ट, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, कॉमन ले लिया मैंने, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। तो ये हो गया आपका
लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा सॉरी वेट ए मिनट, दिस इज नॉट लेंस मेकर फॉर्मूला, थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। चलो तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया बेटा, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला हो गया, मुझे ये पता चल गया कि यू आपके डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का और वी आपकी इमेज बनेगी, सिंपल। तो मुझे ये कहा गया है दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, लेट अस से द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, The image should be made, image should be नहीं, image will be made, image will be at focus। तो image आपकी focus पर होगा, तो simple बात है मैं u को infinity put कर देता हूं तो, और v को मैं f put कर देता हूं, तो so if u is infinity v will be equal to f। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने, वैल्यू पुट कर दो। सो वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया 1/f माइनस 1/∞, तो ये हो गया 0, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और यहां से मेरे पास ये हट गया, दिस इज रिमूव्ड, तो मैं यहां पर एक नया फॉर्मूला मैंने यहां पे बना लिया, एंड दिस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये मेरे पास नया फॉर्मूला बन गया, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर। ये हो गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। तो व्हाई इट इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा, ये इसलिए लेंस मेकर फॉर्मूला है क्योंकि लेंस को क्रिएट करने के लिए ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। मान लिया जाए कि आप गए कहीं चश्मा बनवाने, आपने बोला कि भाई मेरा चश्मा बना दो, उसने बोला कि 1.5 डायोप्टर उसकी पावर है, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने तो बताया कि कितने फोकस का चश्मा चाहिए, आपने लिख दिया इतने फोकस का चश्मा चाहिए। उसके बाद आपने जो दुकान वाला था उसने आपसे पूछा कि भाई आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, ग्लास चाहिए कि फाइबर चाहिए क्या चाहिए, आपने बोला मुझे एंटी ग्लेयर फाइबर चाहिए भाई, तो उसका तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला कि इतना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फाइनलाइज कर दिया। रह गए मेरे पास इस इक्वेशन में दो वेरिएबल, R1 दुकान वाले ने अपनी मर्जी से रखा और R2, ठीक है, उसने फाइंड कर लिया इस इक्वेशन से। तो R1 और R2 उन्होंने फाइंड करके आगे मैन्युफैक्चरर को लिख के दे दिया कि भाई ये वाला जो R1 R2 है इसको मैन्युफैक्चर कर दो, तो उन्होंने उस चीज को मैन्युफैक्चर किया और उसने आपके चश्मे में लगाकर आपको दे दिया। दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग आउट, सो दैट इज व्हाई दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चों कोई डाउट है बेटा तो देख लो, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, शुड आई मूव अहेड? ठीक है चलो, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4। तो अब मैं 3 और 4 को भी यूज कर सकता हूं कि ये वाली जो टर्म है इसको मैं 1/f लिखा है, तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं ऑल्सो फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई लेंस के लिए। जैसे पहले मेरा मिरर फॉर्मूला था, ये लेंस फॉर्मूला बन गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है जी। तो मिरर फॉर्मूला से मैं यहां पर इसको कंपेयर कर सकता हूं। चलो जी, तो ये मेरे पास हो गया फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। अब देखो बेटा, मैंने यहां पर मैंने आपको बताया था कि जब हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे तो इसका R1 R2 का कोई R1/2 या R2/2 वाला फार्मूला नहीं होता, ये दोनों के दोनों इनका एक नया फार्मूला बनेगा, तो दैट इज लेंस मेकर फार्मूला। तो यहां से मेरे पास फोकल लेंथ पता चल गई, तो मैं अब यहां पर यह लिख सकता हूं कि ये जो मेरा लेंस है इसका ये रहा R1, ये रहा R2 और ये रहा म्यू, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई इसकी फोकल लेंथ इज एफ, एंड इसकी फोकल लेंथ का एक्चुअल ज्योमेट्री में R1 और R2 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है,
जैसा कि मिरर के साथ में आर बाय टू होता था। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया फोकस लेंथ। बेटा जी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, अदरवाइज लेंस मेकर फॉर्मूला आपका ओवर है, खत्म हो गया है ये। नथिंग, चलो तो इसके बाद दो चीजें मैं आपको और बताता हूं यहां पर। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का हमने जब फ्रॉम कर्व्ड सरफेस किया था तब भी हमने यही किया था कि जो भी हमारे पास फार्मूला था उसको मिरर फार्मूला से कंपेयर किया और उसके बाद आपने उसको मैग्निफिकेशन में सब्स्टिट्यूट किया। तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं मिरर्स के लिए लिखने वाला हूं, फॉर मिरर्स 1/v +1/u इज इक्वल टू 1/f एंड मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय -v/u एंड फॉर लेंस 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f एंड सो यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब देखो इसने इसको क्या किया, यहां पर v को तो v रखा लेकिन u को माइनस u से रिप्लेस कर दिया। हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में माइनस u से रिप्लेस किया। सो व्हाट वी नाउ हैव हियर, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया प्लस v बाय u। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने याद रखना क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन कर जाते हैं कि भाई कहां पर प्लस लेना है और कहां पर आपको माइनस लेना है। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि एक चीज आपकी माइनस आएगी। देखो यहां पर मिरर फार्मूला, ये अगर प्लस है तो ये माइनस है, अगर यहां पर ये माइनस है तो यहां पर ये प्लस है, दोनों में से एक चीज आपके पास प्लस आने वाला है। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन एंड लेंस की एक पावर भी डिफाइंड होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो डायोप्टर में हम इसके यूनिट्स लेते हैं, नो व्हाट इज दिस पावर, तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ 1/f। द ओनली थिंग इज दैट व्हेन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला द फोकल लेंथ शुड बी इन द मीटर्स, सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। तो मीटर में उसको पहले फाइंड करो उसके बाद 1/f कर दो तो आपके पास पावर बनता है। तो देख सकते हो आपके यहां पर जो मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है बेसिकली वो पावर का ही है, ये पावर का फॉर्मूला है। पावर इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू आर वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो ये बिल्कुल वही वाला पावर ऑफ लेंस वाला फॉर्मूला ही है, ठीक है जी, पहली चीज। और दूसरी चीज इसका जो एसआई यूनिट है ना, दैट कम्स आउट टू बी डायोप्टर। स्पेशल नेम हमने दिया है डायोप्टर, ठीक है, और इसको कैपिटल डी से लिखा जाता है, ठीक है, डायोप्टर। तो माइनस 1.5 डायोप्टर होता है, मतलब जैसे अगर मैं किसी मायोपिया के पेशेंट से मैं बात करता हूँ या जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना आज का आपकी उम्र के, उनको जो चश्मा लगता है वो मायोपिया लगता है। मायोपिया मतलब दूर का चश्मा, दूर का चश्मा मतलब भाई चीज अगर पास में आ जाए तो क्लियर नजर आती है लेकिन अगर दूर ले जाऊं तो चीज नजर नहीं आती ठीक से, सो दैट इज कॉल्ड मायोपिया। तो जो हमारी उम्र में जो लगते हैं चश्मे, ठीक है, आपकी हमारी वाली मिड एज में, तो उसमें मायोपिया लगता है। और अगर हम एल्डर्स की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करें, तब हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया वाले चश्मे लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें पास में नहीं दिखता लेकिन दूर दिखता है, तो फार साइटेडनेस होती है। फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीज दिखनी लेकिन नियर साइटेडनेस ना होना, तो पास की चीज ना दिखना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जो पावर आती है आपके पास वो नेगेटिव पावर आती है मायोपिया के केस में। तो जो आप लोगों में से अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है जो मुझे सुन रहे हैं, तो वो नेगेटिव नंबर है, तो हम कहते हैं कि सर चश्मा तो लगा हुआ है, नंबर उसने डॉक्टर ने बताया -1.5 -2.5 ऐसे, तो वो माइनस लगा हुआ है तो इट मींस कि वहां पर पावर उसकी नेगेटिव हो जा रही है और फोकस आपका नेगेटिव आ गया। इज इट ओके, मतलब डाइवर्जिंग लेंस आपका लगा होगा उसमें। चलो जी अब देखते हैं हम इसके आगे। सो दिस इज द पावर ऑफ द लेंस एंड नाउ वी आर moving to points to be noted. Points to be noted. Okay.
तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यहां पर ये होगा कि व्हाट हैपेंस इफ अ लेंस इज कवर्ड। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे बेटा। ये तो थी थ्योरी। थ्योरी का मतलब है जो हर बच्चे को आनी चाहिए, जो कि बेसिक वाले बच्चों को भी आनी चाहिए, जिन्होंने जेई मेन नहीं देना, एडवांस नहीं देना, उनको भी आनी चाहिए। ये तो था यहाँ तक। लेकिन इसके आगे वाले जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, तो उनको आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप पूरा लेंस है उससे एक इमेज बन रही है, इफ यू कवर सम पार्ट ऑफ द लेंस देन व्हाट विल हैपन। तो लेट अस से मेरे पास एक लेंस है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसका कोई इमेज बन रहा है कहीं पे। ठीक है, मैं ज्यादा लंबा तो नहीं इसको खींच रहा हूँ, सिंपल डायरेक्ट आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि लेट से दिस इज दी ऑब्जेक्ट एंड दिस इज दी इमेज, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरह की हमारे पास डायग्राम बन रही है, ठीक, तो ऐसे केस में वी कैन से सिमिलर ट्रायंगल्स रहेंगे। ठीक है, तो इनको कनेक्ट किया जा सकता है, बट चलो छोड़ो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब अगर मैंने यहां पर किया क्या, मैंने हाफ ऑफ द लेंस को कवर कर दिया। कवर कैसे कर दिया कि नीचे नीचे वाला जो लेंस था ना, इसको मैंने लेटर से पेंट कर दिया, एंड आई हैव डार्कन्ड दिस सरफेस। ठीक है, इस सरफेस को मैंने डार्क कर दिया। अगर ये वाली सरफेस आपकी डार्क हो जाती है, ठीक है, तो यहां से आपके पास इमेज बनेगी। तो अब इसका मतलब ये है कि हाफ पार्ट ऑफ द लेंस इज नाउ नॉट वर्किंग। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो, नाउ इफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज यूज्ड एंड सम पार्ट इज नाउ डार्कन्ड, सम पार्ट इज नाउ डार्कन्ड द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम लोकेशन इमेज तो वहीं पे बनेगी, बट नाउ द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। तो ब्राइटनेस जो है आपकी इमेज की, वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसा हमारे मिरर के केस में होता था कि अगर आपने मिरर को कवर कर दिया तो इमेज पे क्या इफेक्ट होगा, तो हमने क्या कहा था कि इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इमेज वहीं पे बनेगी, वैसी ही बनेगी। द ओनली थिंग इज कि ब्राइटनेस नहीं होगी। बड़ा शीशा और छोटा शीशा, बिल्कुल वही वाली बात है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो बड़े मिरर, बड़े लेंस की बात और छोटे लेंस वाली बात हो जाएगी। तो इमेज तो बनेगी लेकिन इमेज आपकी उतनी ब्राइट नहीं होगी, वो थोड़ी सी कम ब्राइट हो जाएगी ऑब्वियसली। और दूसरी चीज, इसका जो फोकल लेंथ था वो फोकल लेंथ आपका चेंज नहीं होता। फोकल लेंथ अगर आपका पहले एफ था तो अब भी एफ ही रहेगा। ऑल्सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल नॉट चेंज। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, वो वहीं पर ही रहेगा। पॉइंट नंबर टू, द नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मिनिमम डिस्टेंस, उन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या है। देखो, तो जैसे ये यहाँ पर इमेज बन रही है और यहाँ पर इमेज बन रही है, कल की क्लास में हमने सारी इमेज फॉर्मेशन की थी, तो हमें पता चल गया कि भाई अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज फोकस पे बनेगी। धीरे 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 ऐसे करके मूवमेंट होगा। अगर आप 2f पर चले गए तो इमेज 2f पर मूव कर जाएगा, और थोड़ा सा भी अगर आप ऐसे मूव करें तो ये इमेज आगे चली जाएगी। सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस,
सोच के आप कहोगे कि सर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 2f पे, मतलब 2f पे ऑब्जेक्ट हो और 2f पे इमेज हो, सो द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 4f। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हम इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं? बिल्कुल, देख लेते हैं अभी हम कैसे करेंगे। सो लेट अस से जो मेरे पास डिस्टेंस है वो कैसे आएगा, देखो तो द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट विल बी, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले लूं, सो दैट विल बी रिटन एज दिस। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, थोड़ा सा बस यहीं पे ही मैं एलजेब्रा में गेम यहां पर खेल रहा हूं, इसको स्क्वायर कर दिया और माइनस 2uv कर दिया, ठीक है ना, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv आना था और यहां पर मैंने कर दिया माइनस 2uv। यहां फिर मैं ऐसा करता हूं, अच्छा इसमें स्क्वायर रूट भी लेने पड़ेंगे, वेट अ मिनट, माइनस लेना पड़ेगा साथ में, इसको मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ u माइनस स्क्वायर रूट ऑफ v और ये आएगा मेरे पास माइनस में, तो यहां पर प्लस कर दो आप। प्लस मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि मुझे मिनिमम पे कंडीशन चाहिए ना, मिनिमम डिस्टेंस, इसलिए। अब देखो, अब अगर मैं इस l को मिनिमाइज करना चाहता हूं तो ये वाला टर्म मिनिमाइज हो, ये तो चलो जितना आएगा उतना आएगा, लेकिन ये वाली टर्म को मिनिमम अगर मैं करूं तो आई कैन से दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अगर ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू जीरो हो जाए तो मेरे पास l की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, अगर मैं ये वाले पार्ट को जीरो कर देता हूं तो। तो लेट अस सी ये वाला पार्ट जीरो होता है कि नहीं होता। फॉर मिनिमम डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ यू एंड वी होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लॉयज यू शुड बी इक्वल टू वी एंड दिस इज पॉसिबल, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बेटा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f डिस्टेंस। Only when the object is at 2f distance from lens. तो 2f पर आपका होना चाहिए था ऑब्जेक्ट और 2f पर ये आएगी आपकी इमेज। सो दिस इज हाउ वी डिराइव इट, बहुत ही डिफरेंट डेरिवेशन है इसका, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, अगर कहीं आ जाता है तो ये लिखना पड़ेगा आपको और वहां पर जाकर आप सोच नहीं पाओगे कि what was the method. That is why इस चीज को आपने याद रखना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द इमेज उसके बारे में क्या है। द वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो देखो बेटा कि मेरे पास लेंस के लिए आ गया 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, ठीक है, एंड लेट अस से वेलोसिटी ऑफ इमेज मैं फाइंड करना चाहता हूं तो पहले मैं v को फाइंड करता हूं, तो 1 बाय v विल बी इक्वल टू 1 बाय f प्लस 1 बाय u, सो दिस इंप्लॉयज f प्लस u डिवाइडेड बाय f u, दिस इंप्लॉयज v, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी गिवन बाय f u डिवाइडेड बाय f प्लस u। तो ये हो गया आपके पास द डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास यहां पर dv by dt आ जाएगा और वो वेलोसिटी आ जाएगा। सो लेट अस सी के यहां पर क्या आता है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग की स्पेलिंग थोड़े से गड़बड़ है, चलो dv by dt will be equal to, तो अब मेरे पास f तो कांस्टेंट आ गया, तो fu को मैं एक फंक्शन मान लेता हूं, तो मैं दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा f प्लस u की होल की स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको पहले बचा लो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आई विल गेट f u प्राइम लिख लेता हूं मैं, माइनस एफ यू को बचा लो और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन ही आएगा एफ प्लस यू, ठीक है, तो एफ का जीरो और यू का वन, सो आई एम गेटिंग दिस, तो मेरे पास यहां पर फॉर्मूला बन जाता है एफ यू डी यू बाई डी टी इज
बेटे मिनट बेटा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं हो सकता क्या? ये तरीका होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये तरीका है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आ जाएगा, तो इसको मुझे बताना है, यही आएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। एफ यू बाई दिस, इसकी जगह पे मैं वी पुट कर दूंगा यहाँ पे। चलो देख लेते हैं। तो ये तो इसके आगे तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ओके देखते हैं। एफ स्क्वेयर यू डैश प्लस एफ यू यू प्राइम माइनस एफ यू ठीक है, तो नहीं, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे बेटा। देखो यहाँ पर ये वन नहीं आएगा, ये मैंने गलती की है। यहाँ पर यू प्राइम आएगा, डिफरेंशिएट करोगे ना। देखो यहाँ पर एफ यू को मैंने बचा लिया, एफ प्लस यू को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एफ का जीरो, लेकिन यू का वन थोड़ी ना होगा, यू का डी यू बाई डी टी होगा, तो वो हो जाएगा यू प्राइम। यस, अब गेम सही हो जाएगी, एफ यू प्राइम। तो यहाँ पर आएगा ये, और ये यहाँ पर आएगा यू प्राइम, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सही। सो दिस विल बिकम एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू की होल की स्क्वायर इनटू डी यू बाय डी टी, दैट इज द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एंड दिस इज डीवी बाय डी टी। यस डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन हुआ बेटा, उसके कारण हमारी प्रॉब्लम हो गई। तो द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इसको मैं ना वेक्टर लिख रहा हूं ठीक है ना, तो ताकि डिफरेंशिएट हो पाए, इज इक्वल टू दिस इज लाइक लाइक दिस, मैंने ये लिख दिया ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि वी और यू है क्या। तो वी और यू क्या है हमारे पास? वेलोसिटीज है बेटा, इस चीज को आपने ध्यान रखना। अब ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज नहीं है ठीक है। सो दिस इज यस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। बेटा जी सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। वैसे तो आई एम ऑलरेडी वेरी स्लो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। चलो देखते हैं बेटा, अब इसके आगे चलते हैं। चलो अब चलते हैं आपकी सनग्लासेस पर, सनग्लासेस कह लो, गॉगल्स कह लो। तो अब गॉगल्स में क्या होता है मेरे पास? उसमें नंबर नहीं होता, तो ऐसा कैसे होता है? लेकिन कर्वेचर होता है ठीक है ना, हमारे जो लेंस होते हैं ना आंख के आगे लगा रहता है कवर, वो कर्वेचर तो है, R1 R2 तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसमें कोई भी फोकल लेंथ नहीं होती और हमें कोई इमेज आगे पीछे नहीं होती, तो वो कैसे क्रिएट किया जाता है? तो सनग्लासेस की प्रॉपर्टी ऐसी है कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से लेंस बनता है यहाँ पे, तो बिल्कुल सेम कर्वेचर जो है वो यहां पर लगाया जाएगा, सेम कर्वेचर ओके। और ये हमने यहां से किया रब, तो अभी अगर मैं इस कर्वेचर की मैं बात करता हूं ठीक है, तो ये यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन है, यहां पर भी बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको हमने क्लोज कर दिया। सो नाउ यू कैन सी, ये हमारे पास एक नया लेंस बन गया बेटा, और सरफेस का जो रेडियस है वो यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर भी मेरे पास आर है, और दोनों के दोनों का कर्वेचर सेम तरफ है ठीक है ना। तो जब मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो दोनों में पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा या दोनों में नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, अपोजिट नहीं करेंगे। तो यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है, वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस
वन बाई आर टू। बट अब मेरे पास यहां पर आर वन और आर टू में क्या मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, आर वन की जगह पर अगर मैं इसको मान लूं तो नेगेटिव साइड मानूंगा तो माइनस आर, तो लेट अस से आई एम सब्स्टिट्यूटिंग माइनस आर, और यहां पर जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहां पर भी मुझे माइनस आर ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम जीरो, और इसका क्या मतलब हो गया कि द फोकल लेंथ विल बिकम इंफिनिटी, फोकल लेंथ विल बिकम इंफिनिटी, सो इट इज एक्टिंग लाइक ए स्लैब, सिर्फ ग्लास स्लैब की तरह एक्ट कर रहा है, तो फोकल इसका इंफिनिटी हो गया, मतलब जो भी कोई इमेजेस हैं वो सारी की सारी उसका फोकस जो है वो जीरो हो गया, तो मेरे पास ये इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है थोड़ा सा आगे पीछे का, थोड़ा अगर नॉर्मल शिफ्ट और ये सब हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज उसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ भी चीज नहीं हो सकती, सो देर विल बी नो कन्वर्जिंग एंड नो डाइवर्जिंग, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अवर सनग्लासेस। ओके चलो, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5 एंड नाउ यस, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशल केस ऑफ थिन लेंसेज, स्पेशल केस ऑफ थिन लेंस। तो अब क्या हो रहा है मेरे पास, अब मैं थिन लेंस मैंने बनाया लेकिन उन दोनों का सिर्फ फ्लिप किया है मैं, फ्लिपिंग फ्लिपिंग चेंज हो गया, चलते हैं अब पॉजिटिव पुट किया माइनस,